नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन यानी कि 10 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन अपने एंगर को और अपनी रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करना है। इन जनरल रियल एस्टेट या लैंड से संबंधित अगर आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं, भूमि वाहन का भी योग आपका तैयार हो रहा है, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ने की आज के दिन सख्त ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आज के दिन आपको ध्यान ये रखनी है कि सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने की सख्त ज़रूरत है। चाहे आपके जीवन में कितने भी संघर्ष आए या फिर आपको कितने भी चैलेंजेस मिलें, कार्यक्षेत्र में जितनी भी सिचुएशंस टफ होती जा रही हैं, मेंटल बैलेंस को ना खोएं, आपे में ना आए, क्रोध और वाणी पे नियंत्रण बना के रखें कार्यक्षेत्र में, जिससे कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ सकें। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन आपको अपनी एनर्जी में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा और जो इतने दिनों से मन आपका अशांत चल रहा था वो भी अब शांत होगा। सोच समझकर पारिवारिक मैटर्स में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सूझबूझ का परिचय दीजिए। रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रगाढ़ता आएगी, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। प्लानिंग के साथ आप आगे चल सकते हैं, चाहे वो आपके निजी जीवन से संबंध रखती हो या फिर आपकी आर्थिक उन्नति से संबंध रखती हो, लेकिन आपकी ठोस प्लानिंग होगी तो आप आज के दिन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं से इजाफा होते हुए आप अपनी चीज़ों में देखेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपका दिन बहुत हेक्टिक रह सकता है, कंफ्यूजन से भरा रह सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा। चीज़ों को बैलेंस करने की आपकी जो क्षमता है वो बेहतरीन तरीके से आप आगे उसी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। मन भी आपका शांत रहेगा, परिवार के साथ समय भी बिता पाएंगे और वर्क प्लेस में भी हार्मनी ला पाएंगे, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो आपके कार्य क्षेत्र में इतना कंफ्यूजन है या चैलेंजेस हैं, ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल लॉन्ग टर्म ट्रैवल अपने परिवार के साथ आप प्लान कर सकते हैं, जो कि कुछ समय के बाद आप उस पर काम भी कर सकते हैं। ये ट्रैवलिंग या ये जो आपका प्लान होगा, ये एक दूसरे कंट्री में निवास का भी हो सकता है, जिसकी प्रक्रिया या प्रोसेस आज के दिन से आप स्टार्ट करने की सोच सकते हैं या पहले से करी होगी तो आज से उसमें मूवमेंट दिखाई देगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए सिचुएशंस आपको कहीं ना कहीं चैलेंज करती रहती हैं हर समय। कॉन्फ्लिक्ट्स का दौर चल रहा है, चाहे वो आपका अंतर्द्वंद ही क्यों ना हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना ही आज के दिन आपके लिए मुश्किल हो पाएगा। अपने खर्चों पे लगाम लगाना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही साथ आज के दिन आपकी हेल्थ तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन आपको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बार बार मन में आपको कहीं ना कहीं बार बार एक कह सकते हैं चिंता में डाल सकती है। करियर की वृद्धि, करियर में कुछ ना कुछ चेंज पॉजिटिविटी के साथ एम्ब्रेस करना या व्यापार के एक्सपेंशन की बारे में सोचना आज के दिन आप प्लान कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी के संदर्भ में अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़े दिनों के बाद चेंजेस लाना शुरू कर देगा, पर आज के दिन अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को तो आपको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालने की सख्त ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कार्य क्षेत्र में योगदान दे दिया है तो ब्रेक लीजिए, थोड़ा समय विराम करिए, विश्राम करिए, उसके बाद आप विराम लगाइए, विश्राम करिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कार्य क्षेत्र में आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपना योगदान दे दिया है और उस एवज में, उस कंपैरिजन में आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो थोड़ा रुकिए, शांत रहिए। अपना स्ट्रांगली डिस्कनेक्ट प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन वक्त को देखते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत समय पे अपना डिस्कनेक्ट प्रेजेंट कर दें, क्योंकि आपकी बात तो सही है लेकिन आपको कहने का ढंग आज के दिन इजाद करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको कहीं ना कहीं निवेश करने के लिए कहीं प्रेरित कर रहे थे परिवार वाले या फोर्स कहीं से प्रेशर पड़ रहा था, वहाँ पर आज के दिन आप होल्ड करें, सोच के समझ के फिर ही निवेश प्रक्रिया में जाएं, क्योंकि होगा क्या, जब आगे परिस्थिति खराब होगी तो आप ही अपने परिवार वालों को गुस्सा दिखाएंगे कि आप लोगों की वजह से ही मैंने ऐसा किया। तो सोच के समझ के जब आपका अंतर्मन आपको गवाही दे दे कि ये रास्ता ठीक है तो आप उस पर चल सकते हैं।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन जो निर्णय आपको सबसे ज़्यादा सही लगता है, अपने मन की सुने, अपनी सेंसेस की सुने, अपनी एनालिसिस की सुने, वो रास्ता आपको अख्तियार करना चाहिए। प्रोफेशनली अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो आप अपना डिस्कनेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू आज के दिन आप बात कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को लेकर अगर आप प्रेशराइज रहेंगे, दिन पे दिन आप उसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य पे तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके परिवार में भी रेस्टलेसनेस आनी शुरू हो जाएगी। जो शिक्षा के फील्ड में हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन मन अच्छा है, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो रही हैं, बस थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके जो टफ आपके लिए चीज़ें हैं या सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं, आज के दिन उसको अध्ययन कर सकते हैं या प्रायोरिटी वाइज आप उसको पहले शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। भाई तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो हेल्थ तो आपकी अच्छी होगी, सेविंग्स भी कर पाएंगे, घर पर भी ध्यान दे पाएंगे। आपकी परिस्थितियां आपके लिए कहीं ना कहीं जो आपने पहले प्रयास करे थे उससे आपके लिए कोई ना कोई शुभ संकेत आ सकता है। परिवार में तो आ ही सकता है, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई खुशखबरी आ रही है, परिवार में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक परिस्थिति आपके लिए बेटरमेंट के दायरे में बदल रही है। आर्थिक उन्नति के संदर्भ में अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर भी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, पर थोड़ा सा अपना टाइम लेंगी। जॉब चेंज करने की सोच सकते हैं, अपने व्यापार को विस्तार के फेज में भी लाने की आप आज के दिन सोच सकते हैं। कुल मिला के ये फेज अच्छा है, इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको प्लान करने की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी जीवन धारा हो, चाहे वो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी हो, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो। इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स पे काम करिए, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने की सोचिए, निवेश सोच समझ के करें। ट्रैवल को आप शॉर्टन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैवल करने की सख्त ज़रूरत है तो ट्रैवलिंग पे भी आप थोड़ा सा लगाम लगा सकते हैं, थोड़े समय के लिए उसको रोक सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आपको लगता है आज के दिन आपके रिलेटिव्स की वजह से आपको कहीं ना कहीं से अनचाही टेंशन आ सकती है और अनइनवाइटेड गेस्ट भी आपके परिवार में आ सकते हैं या वो आपकी अटेंशन या प्रोडक्टिव समय ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको चेक पॉइंट लगाने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन डाइट पे कंट्रोल रखना है, आज के दिन अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी अनिश्चितताओं पे आप ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आपको चलना है, हेल्थ पे ध्यान देते हुए इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को रिव्यू करते हुए आगे बढ़ना है। पास्ट में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोची होगी तो अब आपके लिए वो कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट बन रहा है, किसी वृद्ध सलाहकार के तरफ से मिला हुआ सपोर्ट आपको और कहीं ना कहीं मजबूत करेगा, मानसिक रूप से भी आपके सिचुएशंस प्रबल होते हुए आप देखेंगे। व्यर्थ की बातों में समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ना ही आज के दिन आपके लिए शुभ संकेत ला सकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं या किस चीज से आपको खुशी मिलेगी, ये सिर्फ आपको अपने लिए खुद ही चयन करना है। आपको वो रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपको खुशी मिलती है, आंतरिक सुख मिलता है, कोई व्यक्ति विशेष आपको बाहर से आकर नहीं बताएगा। इन्वेस्टमेंट पैटर्न को आपको खुद रिव्यू करना है, सोच के समझ के अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से आगे लेकर जाना है कि आपकी लाइफ फोर्स, आपकी सुचारू ढंग से परिस्थितियां चलती रहे, इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपके सही होते रहे, प्लानिंग आपकी फोर्सी करके जो आप आज के दिन करेंगे वो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगी। लेकिन रेस्टलेसनेस, अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को एम्ब्रेस करेंगे तो फिर वो आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि अगर आप देखें सैडनेस या डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड होता है तो उससे निकलने की आज के दिन आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, बात करनी चाहिए आज के दिन आपको उन लोगों से जिनसे आपका डिस्कनेक्ट रहता है या आपको ये लगता है कि वो आपके पॉजिटिविटी में कुछ ना कुछ खलल डालते हैं, या जब कुछ आपके लिए प्रोफेशनली अच्छा हो रहा होता है तो वहाँ पर आप नेगेटिविटी उनकी तरफ से देखने को मिल जाती है। ऐसे लोगों से आप अपने डिस्कनेक्ट को शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। माता या माता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, वहाँ से थोड़ी सी चिंता आपको दिख सकती है। पॉजिटिविटी रिश्तों में आपको मिलेगी, खासतौर पे आपके जो इमीडिएट रिलेशनशिप हैं वहाँ पर पार्टनर से आपको सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स चलते रहेंगे जो बीच बीच में आपके रिफ्ट का या फिर डिस्टेंस का कारण भी पैदा कर सकता है। मन को शांत करने की आज के दिन कोशिश और प्रयास करना चाहिए।
बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो हेल्थ पे ख्याल करिए, अपनी व्यवस्थित जो आपकी एक विचारधारा है उसमें देखिए, कहीं ना कहीं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये गैप आ रहा है। आपको सबसे पहली चीज़ अपने आप को और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में और आना पड़ेगा। ट्रैवल प्लान्स को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता। चेंज ऑफ जॉब कर सकते हैं, बिजनेस विस्तार के लिए आप सोच सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए कंड्यूसिव हो रही हैं, ये आप ही की मेहनत का नतीजा है, आप ही की प्लानिंग की वजह से आप चीज़ों को इतनी बेहतरीन तरीके से एड्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में जो आपको रेस्टलेसनेस होती है या फिर आप हताश हो जाते हैं, उस पर तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके खुद के स्वास्थ्य का सवाल है, वहाँ पर आज के दिन चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है। परिवार की तरफ से भी ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष का या रिलेटिव का आपसे स्ट्रांगली डिस्कनेक्ट है, तो बातचीत के साथ आप उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट आज के दिन कर सकते हैं। बॉसेस के साथ आज के दिन आपको शांति के साथ पेश आना है, एकदम से रेस्टलेसनेस या आक्रोश में नहीं आना है, उसे आप ही की परिस्थिति खराब होते हुए आपको दिखाई देगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।